आनंद सर, अगर आप ये देख रहे हैं तो शायद मेरा प्लान काम कर रहा है। शायद ये शहर सेफ है। मेरा नाम मज़र इब्राहिम है और मेरे वालिद का नाम सलमान इब्राहिम था। वो किसान थे, मैं फौज का जवान। मेरे अबू ने हमेशा मुझे एक ही बात सिखाई है कि इस देश से बड़ा कुछ नहीं। देश से गद्दारी करने से तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैंने बहुत कोशिश की सुनीता को बचाने की। अगर मैं उनसे दूर होता तो शायद वो और उसका बेटा आज जिंदा होते। आनंद सर, सुनीता ने ही मुझे आपके बारे में बताया था। उसने कहा था कि आनंद सर बहुत अच्छे हैं, वो मेरी सारी बात मानेंगे। इस देश में अगर कोई मजहर आकर कहे कि उसके पास आरडीएक्स है लेकिन उसका आरडीएक्स से कोई लेना देना नहीं, तो उसकी बात पर कौन यकीन करेगा। मैं मानता हूं मैंने गलत लोगों के साथ काम किया, पर खुदा की कसम मुझे नहीं पता था कि वो लोग कौन हैं और क्या करने वाले हैं। मैं कानूनगो के यहां पर ट्रांसपोर्ट में काम करता था। वो लोग कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। मैंने लोकेशन की फोटो ली है जो आपको इस फोन में मिल जाएगी। वो लोग दिवाली पर कुछ करने वाले थे जो मैंने किसी तरह से रोक दिया। सोचा था मैं सब कुछ रोक दूंगा। आपने कॉल नहीं उठाया। जब आपको मिलने गया तो आप ड्यूटी पे जा चुके थे। उधर बंगलों पे पहुंचा तो उधर कानूंगो था और उसके लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। मैंने उनका पूरा प्लान खराब कर दिया था। मैं वहां से भागा। मैं सोचता था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस मुझे इस बात का गम है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मैं समुंदर के पास मरने आया हूं। अगर मेरी बॉडी इधर मिली तो कम से कम मेरी बॉडी की ऑटोप्सी तो हो जाएगी। वो लोग मुझे कचरे के ढेर पे मारना चाहते थे ताकि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। अगर मेरी बॉडी की ऑटोप्सी हुई तो ये मेरी बॉडी के अंदर मिलेगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। आनंद सर, मैं तो उन्हें नहीं रोक पाया, आप रोक लीजिए सर। मेरी वजह से सुनीता, उसका बेटा, सोहर सब मर गए और अब मैं भी मरने जा रहा हूं। आनंद सर, मुझे इस बात पर फक्र है कि एक किसान का बेटा, एक फौजी अपनी देश की रक्षा करते हुए अल्लाह को प्यारा होने जा रहा है। जब अबू को पता लगेगा उनको कितनी खुशी होगी, नाज होगा मुझ पर। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।